दोस्तों जितने भी लोग स्ट्रक्चर में जाना चाहते हैं उनके दिमाग में हमेशा दो क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन ये होता है कि मैं आरसीसी में जाऊं, दूसरा क्वेश्चन होता है कि मैं स्टील में जाऊं। आप सब कंफ्यूज रहते हो कि मुझे आरसीसी में जाना चाहिए कि स्टील में जाना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आरसीसी में किसको जाना चाहिए और स्टील में किसको जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपका अगर डाउट क्लियर होता है इसको ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना, क्योंकि आपके ही जैसे आपके कई ढेर सारे भाई बहनों को ये समस्या रहती है कि मैं आरसीसी में जाऊं कि स्टील में जाऊं, किसमें मेरा ग्रोथ होगा, किसमें मुझे फायदा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो इतना छोटा सा सहयोग तो आप कर ही सकते हैं। उन्होंने बोला कि जब मैं स्ट्रक्चर के डिजाइन करना स्टार्ट करता हूं तो मैं भूल जाता हूं कि दिन हुआ कि रात हुआ, मीन्स इतने ज्यादा हैप्पी होकर वो काम करते हैं इस चीज के लिए। बहुत अच्छी बात है, अपने फील्ड को इसी तरीके से पैशनेट होकर काम करना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि सर हमें आरसीसी में जाना चाहिए कि स्टील में जाना चाहिए, तो बोलते हैं कि इसका आंसर मेरे से अच्छा आप दे पाओगे। मैंने बोला क्यों, तो उन्होंने बोला कि आप किस में इंजॉय करते हो इस चीज को देखो। तो मैंने बोला कि मैं तो अभी तक तो सबसे ज्यादा आरसीसी इंजॉय करता हूं। तो बोलते हैं तो आरसीसी बेस्ट है, बोलते हैं आरसीसी भी बहुत अच्छा है और स्टील भी बहुत अच्छा है। आपको जिसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है उसमें अगर आप जाते हो तो आपका कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। तो बेसिक फंडामेंटल आप सोचो आपका किस में क्लियर है, क्या आपने स्टील बहुत अच्छे से पढ़ा है, स्टील में पोर्टर फ्रेम क्या होता है, आई सेक्शन क्या होता है, चैनल सेक्शन क्या होता है, एंगल सेक्शन क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, बोल्ट कैसे लगाते हैं, रिपीट जॉइंट कब करते हैं, फिलेट वेल्ड कब करते हैं, फिलेट के अलग अलग टाइप क्या है, फिलेट के सिंबल्स कौन कौन से है, क्या हमें आते हैं, अगर आते हैं गसेट प्लेट कैसे लगाते हैं, अपेक्स हंजेस कैसे लगाते हैं, और साथ ही साथ उनको जॉइंट कैसे करते हैं, अर्थ पे कौन सी फुटिंग उनके लिए यूज करते हैं, क्या इसके बारे में नॉलेज है, राफ्टर क्या होता है, पर्लिन क्या होता है, क्या इसके बारे में नॉलेज है। अगर है तो डेफिनेटली आपका स्टील स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, और तो बहुत कुछ है बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आता है तो आपको स्टील में ही जाना चाहिए, बस इनके साथ आप सेस्मिक और विंड के एनालिसिस पढ़ लेना, ये पूरे अपने आप ही एक टॉपिक है, पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट, जितना मैंने आपको बताया इतना अगर आता है तो एक सब्जेक्ट बन जाता है ये। बस इनके साथ सेस्मिक और विंड एनालिसिस आपको जरूर ऐड करिएगा क्योंकि वो मैंने नहीं यूज किया। अब बात करते हैं आरसीसी की। आरसीसी अगर आप आरसीसी की फील्ड में जाना चाहते हो कैसे चेक करोगे कि मेरा नॉलेज कैसा है आरसीसी में, क्या आपको आरसीसी करते टाइम नए नए तरीके की स्ट्रक्चर सोचने को दिमाग में आता है, वेरी गुड। अगर आता है तो क्या जब आप आरसीसी करते हैं तो आपको समझ आता है कि मैं कम से कम मटेरियल में सबसे अच्छा और सेफ डिजाइन कम डिफ्लेक्शन में निकाल कर दिखा सकता हूं। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा जो इतने पैशनेट होते हैं कि कम कंक्रीट में ज्यादा अच्छा स्ट्रेंथ ले आने की कोशिश करते हैं, कम कॉलम साइज में ज्यादा अच्छा रिजल्ट ले आने की कोशिश करते हैं। अगर ये जुनून है आपके अंदर ये जुनून है कि कम डाया बार यूज करके ज्यादा, मतलब कम स्टील क्वांटिटी यूज करके ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में कैसे बना लूं, स्ट्रक्चर कितने ज्यादा फ्लोर का कितने अच्छे तरीके से डिजाइन कर पाऊं, कितनी सेफ्टी के साथ डिजाइन कर पाऊं, अगर ऐसा पैशनेट है आपके अंदर, आपको मैनुअल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो डेफिनेटली मींस आप आरसीसी में अच्छा कर सकते हो। प्लस ये तो रहा नॉलेज की बात, दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप सिर्फ जॉब के फील्ड में रहना चाहते हो, मींस आप सिर्फ जॉब करना चाहते हो, तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप स्टील स्ट्रक्चर में जाओ। क्यों? क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर का जो काम है अगर उसको हम अपना बिजनेस यूज करेंगे, मींस अपना बिजनेस करने की कोशिश करेंगे, उसमें फंडिंग बहुत ज्यादा लगते हैं और प्रोजेक्ट कम मिलते हैं, मींस बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते। तो आप जॉब करें तो डेफिनेटली वो आपको एफर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। तो अगर आपको इन फ्यूचर सिर्फ जॉब ही आपको कैरियर बनाना है, मींस जॉब करके उसके अकॉर्डिंग कुछ आपको राइटिंग करनी है या कहीं कंसल्टेंट बनना है, इस तरीके का काम करना है आपको, तो आपके लिए स्टील स्ट्रक्चर रामबाण है, मींस बहुत ही अच्छा है। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे जल्दी ही थोड़ा सा नॉलेज सीख के अपना खुद का काम स्टार्ट करना है, मींस आप आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए बने हो, आप अपनी छोटी छोटी बिल्डिंगें बनाना चाहते हो, बंगलो बना के सेल करना चाहते हो, अपना फ्लैट बना के सेल करना चाहते हो, तरह तरह के आपके दिमाग में आइडियाज हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ आपके माइंड में आइडिया है तो आप आरसीसी में जाओ। यही दो सजेशन अगर आपने सही से सोच लिया, क्योंकि देखो क्या होता है,
एक बार जिसमें करियर आपने स्टार्ट कर दिया, पूरा करियर आपका उसी के बेस पे आपका जाने लगता है। जिन्हें लोग एक्सपीरियंस वाले होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, उनको समझ आ गया होगा। उन्होंने जब जहां जिस फील्ड में स्टार्ट कर दिया, अभी उसी फील्ड में सबसे ज्यादा ग्रोथ उनको दिखता चला जा रहा है। अब आप नए फील्ड में जाओगे, नए तरीके के लोग हैं, नया नॉलेज ऐड करना पड़ेगा, जो आपके लिए मुसीबत भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। कभी चांस मिल जाता है, कभी चांस नहीं मिलता डोमेन चेंज करने का, तो प्रॉब्लम होती है। तो अच्छा होगा कि अगर आपको अपना काम करना है तो आप आरसीसी में जाओ, क्योंकि आरसीसी का काम चीपेस्ट मतलब कम रेट में अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हो। बट स्टील के साथ ऐसा नहीं होता, स्टील एक हैवी स्ट्रक्चर होता है, कॉस्टली स्ट्रक्चर होता है। इसके लिए आपको अपना बजट स्ट्रॉन्ग करके तब इस काम को करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि अब आप इस तरीके से क्लियर कर लो, और साथ ही नॉलेज मैटर करता है दोनों में। अगर आप जॉब करना चाहते हो, जॉब इजीली लेना है, तो आप देख लो जितनी चीजें मैंने स्टील बताई कि आपको आती हैं, जितनी चीजें मैंने आपको कंक्रीट में बताई कि आपको आती हैं, अगर आती हैं तो आप जिस चीज में आपको ज्यादा आता है उस इंडस्ट्री के लिए आप बने हो, आप डिसाइड करो। और प्लस आप बताओ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा पसंद है, कौन सी इंडस्ट्री के बारे में आप नॉलेज जानना चाहते हो, मींस आप कौन से दिमाग लगाते हो। जैसे कभी कभी लोग पूछते हैं सीयर वॉल की डिजाइन कैसे करेंगे, या सीयर वॉल क्यों लगाते हैं, या रिटेनिंग वॉल क्यों लगाते हैं। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो नीचे कमेंट जरूर करना यार, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो, या आपको सैलरी से रिलेटेड कोई कमेंट, या कोई यहाँ पर जॉब कैसे पाऊं, कुछ भी है आप नीचे कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि चलो यार लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं और करो। तो प्लीज कमेंट करना और शेयर तो आप करोगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।